की टीम जो है वो बॉलिंग ग्रीन की टीम मैच जीत चुकी है। तमाम शायकीन फुटबॉल स्कर्दू और उसके गिर्द और दीगर अजला से तशरीफ लाए हुए तमाम शायकीन फुटबॉल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये गोल करने में कामयाब हुई है ओल्डिंग ग्रीन की टीम। ओल्डिंग के तमाशाई हैं बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा पास ये ले आ और स्पोर्ट्स ये ग्राउंड सजे स्कर्दू टीवी पर बराह रास्त देख सकेंगे। बिल्कुल स्कर्दू को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। आज फुटबॉल का फाइनल मार्का सजने जा रहा है ओल्डिंग ग्रीन और युल्तर फाइटर्स के माबेन और आप देख सकते हैं इस वक्त म्यूनिसिपल ग्राउंड स्कर्दू में तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद है, फुटबॉल लवर्स की कसीर तादाद मौजूद है और मैं अगर इस पोर्शन की बात करूं तो यहां पर युल्तर फाइटर्स के जो तमाशाई है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और ग्राउंड के चारों तरफ तमाशाई खचाखच भरे हुए हैं। ओल्डिंग की टीम को भी सपोर्ट किया जा रहा है और साथ साथ युल्तर फाइटर की टीम को भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तमाशाई मौजूद हैं। चूँकि युल्तर फाइटर की टीम पहली बार फाइनल में आ रही है तो बहुत ज़्यादा
एक्साइटमेंट है। इस वक्त मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। आप इस मैच को यकीनन आप मिस नहीं करना चाहेंगे। काफ़ी अरसे बाद ये स्कर्दू में इस तरह का इवेंट होने जा रहा है और लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर जमा हैं। ग्राउंड की रानाइयाँ जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और तमाशाई भी आए हुए हैं। कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न इस वक्त पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू शहरियार शहराजी साहब भी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। काफ़ी अरसे बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्कर्दू ने इस नौयत का मैदान यहां पर सजाया है और कमिश्नर साहब आज के इस मैच के मेहमान उपस्थिति हैं। सर, काफ़ी बड़ी तादाद में आपने क्राउड गैदर किया है और काफ़ी अरसे बाद स्कर्दू में इस नौयत का एक इवेंट देखने को मिल रहा है। यकीनन आपके मैनेजमेंट और डिप्टी कमिश्नर साहब की मैनेजमेंट में शामिल है, इस तरह के इवेंट्स को कंटिन्यू रखने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? तो ये क्रेडिट सारा जाता है जो हमारी फुटबॉल एसोसिएशन है और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इतना हम आवाम के भी मशहूर हैं, लोगों के मशहूर हैं कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी का इसमें इजहार किया। और अब आप क्राउड देखें, पूरा ऑलमोस्ट पूरा स्कर्दू यहाँ पर आके जो है ना इसको मैच को देख रहा है। तो इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी आगे नवरोज़ के इवेंट्स हैं, रमज़ान से पहले भी हमने कुछ इवेंट्स रखे हैं, इंशाल्लाह अच्छे इवेंट्स हैं और रमज़ान के फ़ौरन बाद हम मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स करेंगे जो हम यूथ को भी पॉजिटिवली एंगेज कर सकें और हम इलाके की टूरिज़म को भी प्रमोट कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत इवेंट सजा है। और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू शहरियार शहराजी साहब मुतहरिक सरकारी आवेदन है। सर, काफ़ी अरसे बात फुटबॉल के हवाले से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इवेंट्स तो होते रहते हैं, फुटबॉल के हवाले से काफ़ी अरसे बात इस तरह का खूबसूरत इवेंट सजा है और बड़ी तादाद में क्राउड यहाँ पर आया है। आगे नवरोज़ भी आ रहा है, मजीद क्या जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइन किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, नवरोज़ की ही तैयारी है, इसे आप कह सकते हैं, प्री प्रिपरेशन आप इसे कह सकते हैं। आज का रोज़ जो है इसमें हमने जो है वो नवरोज़ को मद्देनज़र रखते हुए सब डिवीज़न, तीनों सब डिवीज़न में, रोंदू में, गंबा में और स्कर्दू में फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट्स मुनक़द किए हैं। आज इसका फ़ाइनल होने जा रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्री प्रिपरेशन है क्योंकि इंशाल्लाह ताला बाय 15th मार्च ऑनवर्ड्स हम बल्तिस्तान लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जिसमें हमारी टीम्स स्कर्दू की जो हैं वो 4 से 5 स्कर्दू की टीम्स होंगी, रोंदू की 2 टीम्स होंगी, गंबा की होंगी, शिगर गांचे और खरमन की टीम्स होंगी। तो आप एक मेगा इवेंट देखेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट का हम टूर्नामेंट बल्तिस्तान लेवल का करवा रहे हैं, फुटबॉल का जिसका फाइनल जो है वो भी 20 मार्च को होगा। इसके साथ साथ हम 3 मैचेस पोलो के करेंगे इंशाल्लाह ताला नवरोज के ऊपर, जो कि हम 19, 20 या 21 या 20 को 2 करके तो 21 को 1 रखेंगे। सो दैट एक रंगारंग जो हमारा नवरोज का कैलेंडर इवेंट है इसे हम पूरे जोश और जज्बे से मना सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यकीनन जी बहुत अच्छा इकदाम है खेलों के हवाले से और बल्तिस्तान के लोग स्पोर्ट्स लवर है और इसका वादे सबूत खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड है और यहाँ आकर यकीन होता है कि जहाँ खेलों के ग्राउंड आबाद हों वहाँ अस्पताल वीरान हुआ करते हैं। बहुत दिल भरे मनाजिर। और यकीनन जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पुलिस का किरदार जो है बहुत अहम होता है, चाहे वो मैच हो चाहे वो फिर आपका इलाका हो। सर, आज फिर आज यहाँ पर ड्यूटी पर बैठे हुए हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा SSP साहब के हुक्म से, अच्छा DIG साहब के हुक्म से, हमारा DSP हेडक्वार्टर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और इनके साथ साथ मैं ट्रैफिक इंचार्ज और हमारी डिप्लॉयमेंट है और पूरी नफरी जो हमारी ज़िले में है, पूरी नफरी जो है यहाँ डिप्लॉयड है। इंशाल्लाह रहमान खुशगवार अच्छे और लोगों को देखने में फुटबॉल गेम नज़र आएगा इंशाल्लाह। वैसे किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली फुटबॉल खुद भी प्लेयर हूँ, वॉलीबॉल का भी प्लेयर हूँ मैं। इंशाल्लाह मैं जो अच्छे खेलेंगे जो उसकी तरफ मैं इंशाल्लाह जीता उसके साथ आप नहीं जीतने वाले की नहीं, अच्छे जो टीम है उसको हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जनाब कुछ खिलाड़ियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस वक्त मैच शुरू होने वाला है, मैच के बाद हम खिलाड़ियों से भी चिट चैट करते हैं कि उन्हें कैसे लगा। तो चलें हैं और की फसल बच चुकी है और अब तकरीबन मैच शुरू होने वाला है तो आपको मैच पिच मनाज़िर दिखाते हैं। इसी अस्ना में एसोसिएशन स्कर्दू और फुटबॉल एसोसिएशन स्कर्दू का
بالکل ایک غضب چوری تھا انتہائی دی अभी भी चांस है तमाशाइयों की जानिब से होटिंग का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। फ्री हिट नसीम और नसीम ने फ्री हिट की होल्डिंग ग्रीन की जानिब से, लेकिन इस फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाई होल्डिंग ग्रीन की टीम। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तवक्को कर रहे हैं कि ये बाद में मैच लेवल होता है तो मैच की पोजीशन जो है वो इंतहाई सनसनी खेज हो जाएगी कि टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस। यकीनन बहुत शानदार मुकाबला रहा फाइनल, और बिला आखिर शानदार और कांटेदार मुकाबले के बाद होल्डिंग ग्रीन की टीम जो है वो फातह करार पाई है। पहले हाफ तक दोनों टीमें बराबर रहीं और दूसरे हाफ के पहले ही लम्हात में होल्डिंग ग्रीन की टीम ने पूरा फ़ायदा उठाया और एक गोल करने में कामयाब रही और यही पोजीशन जो है मैच के आखिर तक बरकरार रही। इस वक्त तकसीम इनामात का सिलसिला जारी है और अगर हम तमाशाइयों की बात करें तो तमाशाइयों की कसीर तादाद जो है इस मैच को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी और इंतजाम भी कदरे बेहतर थे। किसी नाखुशगवार
वाकियों को हमने यहाँ पर ना देखा, बल्कि दोनों तरफ जो तमाशाई थे, दोनों तरफ जो खिलाड़ी थे, उन्होंने टीम सेपरेट का और स्पोर्ट्समैन सेपरेट का मुजाहरा किया और एक खूबसूरत अंदाज से ये मैच अब अख्ताम पजीर हो चुका है। यकीनन जी, इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर होते रहने चाहिए, चूँकि खेलों के ज़रिए ही मोहब्बत के जज्बात को, अमन के जज्बात को फ़रोग दिया जा सकता है। युल्तर फाइटर की टीम जो है पहली बार इस इवेंट में शामिल हुई थी और अनडिफिटेबल रही पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल तक इन्होंने रसाई हासिल की। निस्बतन इसमें जूनियर खिलाड़ी थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी, और अगर हम ओल्डिंग ग्रीन की बात करें तो ये स्कर्दू का नामी ग्रामी क्लब है और इसमें सीनियर खिलाड़ी खेलते रहे हैं और प्रॉपर क्लब है और निस्बतन एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और आज का जो मर्द मैदान जो ठहरी है जो टीम, वो ओल्डिंग ग्रीन की टीम है। जिंदाबाद।